हल्दीराम। दो पैसे की भुजिया से 9,000 करोड़ का साम्राज्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हल्दीराम जैसी कंपनी, जिसकी आज पूरी दुनिया में पहचान है, उसकी शुरुआत सिर्फ दो पैसे से कैसे हुई? आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े स्नैक्स ब्रांड हल्दीराम की सफलता की कहानी, जिसमें मेहनत, इनोवेशन और विजन का अनोखा संगम है। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर के बारे में। साल था 1919, जगह थी बीकानेर की तंग गलियां। यहां एक 12 साल का लड़का, जिसका नाम था हल्दीराम, अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता था। लेकिन उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही साधारण सी भुजिया एक दिन हल्दीराम को हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बना देगी। हल्दीराम की जिंदगी में संघर्ष, समर्पण और लगन का एक अनूठा मेल था। उन्होंने न केवल भुजिया बनाने की कला में महारत हासिल की, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के नए नए तरीके भी खोजे। भुजिया का अनोखा ट्विस्ट। शुरुआत में हल्दीराम के दादा भुजिया को बेसन से बनाते थे, जो बीकानेर की पारंपरिक भुजिया थी। लेकिन हल्दीराम कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोग मोठ की दाल का सेवन बहुत पसंद करते हैं। इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने भुजिया में बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी भुजिया का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा लाजवाब हो गया और लोग उसे हाथों हाथ खरीदने लगे। लेकिन यहां पर भी हल्दीराम नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि उनकी भुजिया मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसे पतला और क्रिस्पी बना दिया जाए तो कस्टमर्स को और भी ज्यादा पसंद आएगी। इसके बाद उन्होंने भुजिया को और पतला और हल्का बना दिया, और फिर क्या था, बीकानेर की भुजिया पूरे राजस्थान में मशहूर हो गई। बड़े सपने, छोटी शुरुआत। हल्दीराम का पहला कदम हमेशा छोटे स्तर पर होता था, लेकिन उनका सपना हमेशा बड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने बीकानेर से बाहर कदम रखा। 1960 के दशक में उनके परिवार के कुछ सदस्य कोलकाता में बस गए और वहीं से उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया। कोलकाता में हल्दीराम की दुकान इतनी लोकप्रिय हो गई कि वहां के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानने लगे। फोकस हमेशा गुणवत्ता पर हल्दीराम की सफलता का सबसे बड़ा राज था, उनकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता। चाहे वह भुजिया हो या कोई अन्य स्नैक, हल्दीराम ने हमेशा अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज भी लोग हल्दीराम पर भरोसा करते हैं। 1990 के दशक में हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में अपने स्नैक्स भेजे। यहां भी उनकी भुजिया और स्नैक्स को लोगों ने हाथों हाथ अपनाया। हल्दीराम आज कहां है? आज हल्दीराम की सालाना टर्नओवर लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। यह एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। हल्दीराम ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और इनोवेशन से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। तो यह थी हल्दीराम की प्रेरणादायक कहानी, जहां दो पैसे की भुजिया से शुरुआत कर उन्होंने 9,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया।